डिस्क्लेमर जल्दी जल्दी पढ़ने से अच्छा है कि आप मजाक को बिल्कुल मजाक में ले। अगर आप फिर भी वीडियो से ऑफेंड हो जाते हैं तो ये डिस्क्लेमर पॉज करके रीड कर ले। थैंक यू। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एसआरसीसी कैंपस टूर। अब मैं आपको फिर से वही चार दीवारी दिखा के व्यूज लूंगा। क्या मतलब है कि 629वां कैंपस टूर है, लेकिन आपको मैं हर एक गली याद करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एसआरसीसी कैंपस टूर दिखा दिखा के आपको पकाऊंगा और साथ ही साथ व्यूज लूंगा। ये बना है कॉलेज का बाथरूम, तो ये कॉलेज का बाथरूम भी देख लो भाई। ये होता है कॉलेज का बाथरूम और इसे फ्लश करते हैं। तो ये सिर्फ आवाज सिर्फ एसआरसीसी में आता है और ऐसा कहीं नहीं होता है। क्या मतलब है कि एसआरसीसी आया हो तो कैंपस टूर करने होगा? नहीं भाई, बहुत जमाना हो गया जब क्लास 12 में एक अच्छा मार्क्स लाके एक गुड करियर और एक अच्छा प्लेसमेंट के लिए आप एसआरसीसी से ग्रेजुएट होते थे। अब यूट्यूबर बनना है तो बताना भाई। अब हर तीसरा बंदा को इंस्टाग्राम रील, हर दूसरा बंदा को यूट्यूब और हर जन को बायो में एसआरसीसी भी तो लिखना है। तूने भी तो एसआरसीसी कैंपस टूर किया था, तेरा भी तो यही काम है। Never. नहीं भाई, जब मेरा एडमिशन होने वाला था तो एसआरसीसी पे सिर्फ ये दो वीडियोस थे। इसका 50% व्यूज तो सिर्फ मैंने ही देखा होगा। तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं भी आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियोस डालूं, एक तोड़ डालूं। तो दिस इज हाउ माय यूट्यूब जर्नी बिगन। लेकिन अब हाउ अ विलेज बॉय बिकम, नहीं भाई वो तो मेरा बिल्कुल कॉपी नहीं है, उसे कोई कॉपी थोड़ी बोल सकते हैं। अ डे ऑफ अ एसआरसीसी स्टूडेंट, मैं टाइटल पे एसआरसीसी लिख देता हूँ। चार दीवारी में बैठ के ऑनलाइन क्लास दिखा के अ डे ऑफ एसआरसीसी स्टूडेंट हो जाएगा। हुई हुई हुई, एसआरसीसी टाइटल में लिख देता हूँ, थंबनेल में डालने से तो व्यूज ही व्यूज। ये वीडियो का टाइटल भी तो एसआरसीसी। अरे भाई मुझे रोस्ट ही नहीं करना है। ब्रो हमें अपने सोसाइटी के एप्लीकेशन फॉर्म भी निकालना है, तो हम लोग उनसे क्या सवाल पूछेंगे? अरे कुछ नहीं ब्रो, MBA का कोई भी बुक उठा लेते हैं, वहां से केस स्टडी निकाल के इन्हें दे देंगे, सबको लगेगा कि हमारा सोसाइटी एकदम कूल है। क्या मतलब कि हम सबको उनका आंसर खुद नहीं आता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। A few moments later. तो इतना सारा एप्लीकेशन आ गया भाई, अब इसे कैसे इवैल्यूएट करें और इसमें से किसको एलिमिनेट करें कैसे पता चलेगा? ब्रो इसको कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे चूज करना है, मेरे पास एक तरीका है, आओ बताता हूँ मैं। तो जो जो अप्लाई किया था मैंने सारे का नाम लिख दिया है, यहाँ पे सारा नाम है। अब सिलेक्शन होगा इस कॉइन के जरिए, जिसका आएगा हेड उसका होगा सिलेक्शन और जिसका आएगा टेल उसका कैंसिल। तो अब मैं उड़ाने वाला हूँ कॉइन और ये तो क्या आया, हेड आया है। ठीक है भाई, अब इसका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही मैं सारा लोग का करूंगा और होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हो चुका है कंप्लीट। 17 × 12 हाँ चल हट जा, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट बस का हो गया, कितना बस इसकी सिलेक्शन हो गई है, आ जाओ। अब सारे MBA का केस स्टडीज एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के बाद सिलेक्शन तो कॉइन बेस में होता है, लेकिन अब आता है इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा शायद ये सस्पेंस रहता है, सवाल का जवाब भी क्या होता है ये इंटरव्यूअर को शायद ही पता होगा। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पता चला मेरा लोकेशन ट्रैक करके मेरा घर में ना पहुंच जाए। वो मैं अमेजोन का ऑर्डर किया था, तो अमेजोन से थोड़ा डिलीवरी लेके आता हूँ मैं। A few inches later. अरे भैया बहुत मारा रे, बहुत मारा। ओ भाई इतना मारा कि पूरा फाड़ दिया यहाँ पे जैकेट। अरे भाई कैमरा ऑन है क्या? ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। अब SRCC आ ही गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, 2 साल मेहनत किया हूँ कि थोड़ा सा कूल बनने का भी टाइम आ गया है। लड़की लोग का भी थोड़ा सा कूल बनना चाहिए ना। क्या मतलब कि गिटार और आईफोन लेना पड़ेगा? अच्छा ठीक है तो फिर ले लेते हैं। हाँ ब्रो, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन सोया नहीं और उसके बाद मैंने आईफोन अपना मम्मी का फिक्स डिपॉजिट तोड़ के ले लिया। जी हाँ, क्या मतलब कि मेरा दिमाग विकसित नहीं हुआ? नहीं ब्रो, अब लड़की तुम्हारे गिटार और तुम्हारे आईफोन से नहीं पटने वाली। अब मतलब आईफोन तो हुआ नहीं, अब कोई सस्ता जुगाड़ है तो बता दो। SRCC कॉन्फेशन लिख दे, वहां पे सब लिख दे अपने दिल की बात। हैं सच्ची का, ऐसा भी होता है?
आई थिंक यू आर रियली रियली क्यूट। आँख चौंध देने वाले इमोजी और दो बार रियली रियली गिरता था तो यहीं से मिठास गिर जाता। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन कैंपस। यू वर लुकिंग डैम प्रिटी टुडे। विल वेट यू एट इरफान्स एट 1:30 ऑन 3rd। होप टू सी यू देयर। वंस अ जूनियर कॉल्ड मी भैया एंड नाउ शी इज माय क्या व्हाट शाबाश। इतने दिन कॉन्फेशंस पे सर्व करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना लड़कियों का अटेंशन अपने तरफ लाया जाए, इसीलिए मैंने खुद अपने ही ऊपर कॉन्फेशन लिख दिया कि मैं भी बहुत क्यूट हूं। कैमरा ऑन था क्या? कट कर देना प्लीज। मुझे ये समझ नहीं आता है कि लड़कियां इस तरीका से फोटो क्यों खिंचाती है, मतलब एक पैर को ऐसे करके। बट मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा इस पर रोश नहीं बनाऊंगा गर्ल्स पे क्योंकि मैंने वो तो लाइफ जिया नहीं है। आप अगर देख रहे हैं तो कमेंट सेशन में मुझे बताइए आप क्या ओपिनियन, एक सार्कास्टिक कमेंट डैंग कमेंट में। तो भाई इतना दूर तक आ ही गए हो तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बस एक स्किट था, एक कॉमेडी टाइप था, जो भी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसे कोई ऑफेंड मत होना, किसी को मैंने टारगेट नहीं देता, बस एक जनरल वे में कॉमेडी बनाया था। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताना कि इसका पार्ट टू बनाओ कि नहीं, ऐसे ही अपलोड करूँ कि नहीं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।